पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं, कह रहा है टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए दो सर्कल है, एक का रेडियस जो है वो 5 मान लेते हैं, दूसरे का हम 3 मान लेते हैं, ठीक है। इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट, यही वो टू पॉइंट है जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। दोनों सर्कल के जो सेंटर का डिस्टेंस है, जैसे अगर मान लीजिए इसका सेंटर ये रहा, ये इसको छोटा वाला मान लेते हैं, ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये हमारा क्या है, 4 सेंटीमीटर है। क्या है? 4 सेंटीमीटर है, ओके। अब आगे क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोर्ड। लेंथ ऑफ द कॉमन कोर्ड हमें पूछ रहा है, ठीक है, यानी इसकी लेंथ पूछ रहा है, ठीक है, ओके। चलिए एक चीज अभी हमने पढ़ा था कि जो अगर मान लीजिए जो थ्योरम था हमारा, वो थ्योरम क्या था कि अगर जो सेंटर से मिलने वाली लाइन होती है वो कॉमन कोर्ड को क्या करता है, आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, जैसे अगर हम इनको मिला दें, इसका कुछ नाम रख दें, जैसे ये ओ हुआ, ये आपका ओ डैश हुआ, ये ए हुआ और ये बी हुआ, तो ये एम हो गया। तो ये एक क्या है, ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी करता है, इसको भी आप मिला दीजिए, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि ये जो है आपका, अगर हमें ए एम फाइंड हो जाए तो हम डबल कर देंगे, उससे हमें ए बी फाइंड हो जाएगा। कहने का मतलब यही हुआ, ठीक है। तो ए एम, और ये 90 डिग्री के लिए है, तो राइट एंगल की जो प्रॉपर्टीज़ है वो पैथागोरस की प्रॉपर्टीज़, वो प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। चलिए तो चलते हैं, कैसे यूज़ करेंगे उसके लिए आप समझो। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस पार्ट को ना हम एक्स मान लेते हैं, इसे हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 4 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि टोटल 4 है, तो एक पार्ट अगर एक्स है तो दूसरा क्या हो गया, 4 माइनस एक्स हो गया। समझ में आई बात, क्लियर है। अब दूसरी चीज की बात करें तो इसको हम 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और ये क्या हो गया, ये हमारा 3 सेंटीमीटर है, क्लियर, डन। तो कुछ इस तरीके से है। अब इसी में राइट एंगल प्रॉपर्टीज हम यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम ए एम फाइंड करके डबल करेंगे, जैसा कि बात हमने किया। तो कैसे करेंगे, चलिए देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम जाएंगे इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए ओ एम, इन ट्रायंगल ए ओ एम, ए ओ एम ट्रायंगल में गए। अब ए ओ ट्रायंगल में क्या, राइट एंगल होने की वजह से पैथागोरस की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। क्या होता है इसका पैथागोरस की प्रॉपर्टीज, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, ऐसा ही होता है ना, बिल्कुल सही बात है। क्या हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी एस स्क्वायर। हाइपोटेनियस फिक्स होता है 90 के सामने वाला, और परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो आपस में चेंज हो सकते हैं, तो कोई भी परपेंडिकुलर रहे कोई भी बेस रहे, इस क्वेश्चन में यहाँ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वो फर्क पड़ता है ज़्यादातर ट्रिगो वाले चैप्टर में। तो देखिए ओ ए क्या है, ये है हमारा 5 का स्क्वायर, ओके। और ये ए एम तो हमें नहीं पता है, और ओ एम क्या है, इसको हमने एक्स माना था, तो ये एक्स का स्क्वायर है। इस तरीके से ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इसको अगर इधर भेज दें तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब हम दूसरे इक्वेशन में चलते हैं, दोनों में से हम ए एम निकालेंगे, कौन सा है ए ओ डैश एम, कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए ओ डैश एम, ठीक है, ये ट्राइंगल है। यहाँ पर भी अगर हम राइट एंगल वाली प्रॉपर्टीज यूज करते हैं तो क्या बनेगा, ओ डैश ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया, ए एम का स्क्वायर, फिर से ए एम का स्क्वायर, और प्लस एम ओ डैश का स्क्वायर, क्लियर है। चलिए जो चीज़ें जो है उनकी वैल्यू रख देते हैं, ओ डैश ए जो है ये जस्ट हमारा 3 है, तो 3 का स्क्वायर, ए एम हमें पता नहीं है तो इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं, और ये क्या है हमारा एम ओ डैश जो है ये भी हमें पता है कि ये क्या है हमारा एम ओ डैश जो है वो है हमारा 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। चलिए ओके डन, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ से ए एम स्क्वायर फिर से हमने फाइंड कर लिया,
जो कि 9 - 4 - x का होल स्क्वायर। इस पूरे को उठा के इधर ले आए हैं। अब देखिए इसको हम इक्वेशन सेकंड मानेंगे। चलते हैं हम सेकंड पेज पे, क्योंकि देखिए अगर आप देखोगे कंपेयर करोगे तो जो फर्स्ट इक्वेशन है और जो सेकंड इक्वेशन है दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में, यानी LHS की अगर बात करें तो AM स्क्वायर और AM स्क्वायर बन रहा है, इसलिए दोनों के RHS के बीच में हम इक्वल का रिलेशन बना सकते हैं। ऐसा ही हम करेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को अगर कंपेयर करते हैं दोनों में AM स्क्वायर है, तो पहले में तो 25 - x का स्क्वायर है और दूसरे में क्या है हमारा 9 - 4 - x का स्क्वायर है, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। चलिए 25 - x का स्क्वायर, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 9 है। देखिए बहुत छोटी चीज है लेकिन कैलकुलेशन में बिल्कुल मैं आपको ध्यान दिलवाता रहूँगा और आपको बिल्कुल उस पॉइंट पर फोकस करना है, ठीक है, नहीं तो यहीं सब जगहों पे गलतियां होती है। माइनस के बाद अगर ब्रैकेट के अंदर कुछ हो रहा है तो पहले उसको सॉल्व रखेंगे और करेंगे और ब्रैकेट को एज यूजुअल रहने दीजिएगा। ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, बी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर x स्क्वायर 2ab, तो माइनस का 2 इंटू ए यानी 4 इंटू एक्स, कुछ ऐसा ही है। ब्रैकेट क्लोज, अब क्या करोगे आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 25 - x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 - 16 - x स्क्वायर और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 8x बन गया, कुछ ऐसा, ठीक है। अब देखो क्या कुछ यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, जैसे देखिए अगर मान लीजिए हम यही जानते हैं कि अगर इक्वल टू के सेम साइड अपोजिट साइन के साथ अगर सेम टर्म हो तो उसको कैंसिल कर देते हैं, लेकिन दूसरे केस में अगर कहें हम इक्वल टू के बोथ साइड अगर सेम साइन के साथ सेम टर्म होते हैं तो उसे भी हम कैंसिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर है, अगर इधर आ जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, इसलिए डायरेक्ट इसको -x² - x² यहीं से कैंसिल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें धीरे धीरे आना आपको जरूरी है। अब देखिए 25 - 9 को इधर भेज दीजिए, ये माइनस का 16 हुआ, ये प्लस का 8x हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये 16 हो गया, ये इधर आया तो 16 हो गया। अब ये क्या हो गया, माइनस का क्या हो जाएगा आपका प्लस का 8x हो गया, ये हो गया हमारा 32 हो गया, ठीक है, डन। तो कुछ इस तरीके से 25 - x² ये बन गया हमारा, क्या बन जाएगा 25 - 9 16 और माइनस 9 और ये माइनस 16 जब इधर आ जाएगा तो 32 हो गया, यानी 8x हो गया, क्लियर। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो 8 × 4 = 32 हो गया, यानी x इक्वल टू 4 हो गया, जो x की वैल्यू आई है वो 4 आई है, ठीक है, डन। अब यहाँ से देखिए जैसे ये हमारा अगर मान लीजिए इसकी बात करें अगर x की वैल्यू 4 ही आ रही है तो हम मतलब किसी एक ट्रायंगल में जाकर के AM फाइंड कर सकते हैं ना। तो मान लीजिए आप पहले ट्रायंगल में ही चले जाइए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, किस में जाएंगे हम पहले में ही जाएंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वहाँ से हम आसानी से AM की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो AM स्क्वायर इक्वल टू क्या है 25 - x² था और x की जगह अगर हम 4 रख दें तो 16 आ गया। तो इस तरीके से AM इज इक्वल टू क्या आ गया 9 आ गया और स्क्वायर इधर से चले जाने पे इधर पे रूट बन जाएगा और इस तरीके से AM की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी, प्लस माइनस 3 होगी, लेकिन माइनस तो लेंथ कभी हो ही नहीं सकता है तो इसलिए इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं नेगलेक्टेड, डन। तो प्लस लेकर चलेंगे यानी AM इक्वल टू हम क्या लेकर के चलेंगे 3 लेकर के चलेंगे। तो इस तरीके से अगर हम AB की बात करें तो AB हम जानते हैं कि जो सेंटर से मिलाने वाली लाइन होती है वो क्या करती है इस कोड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, तो AM के डबल AB होगा, यानी मैं AB को लिख सकता हूँ 2AM लिख सकता हूँ और इस तरीके से 2 × 3 जो है वो AB इज इक्वल टू 6 जो है यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, डन। तो कुछ ऐसा ही है क्वेश्चन, एक बार फिर थोड़ा सा हम देखते हैं।
कह रहा है कि टू सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट एट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। दो सर्कल है, एक का रेडियस 5 है, दूसरे का है 3 सेंटीमीटर। दोनों जो इंटरसेक्ट करते हैं, तो इंटरसेक्ट करने पर होता है क्या, उनके जो सेंटर के बीच की दूरी है 4 सेंटीमीटर है। तो बताता है जो कॉमन कोड होगा उन दोनों का, उसकी लेंथ क्या होगी, यानी ए बी की लेंथ क्या होगी। सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल है हमारा 4, तो अगर हम एक को एक्स माने तो दूसरा 4 - x हो जाएगा, ठीक है। अब हम दो ट्राइंगल में चलते हैं, एक बार हम ए ओ एम में चले, वहाँ से ए एम निकाल लिए, एक बार हम ए ओ डैश एम में चले, यहाँ से ए एम निकाल लिए। दोनों में जो ए एम स्क्वायर की वैल्यू आई है उन दोनों को इक्वल कर दिए, इक्वल करने से हमें एक्स मिल गया, पहले में रख देने से हमें ए एम मिल गया, और ए बी इक्वल टू 2 AM होता है, तो 2 × 3 = 6 हो गया। तो क्वेश्चन को इस तरीके से हमें दो तरीके से माइंड में रखने, कैलकुलेशन तो इम्पॉर्टेंट इज वी नो वेरी वेल, लेकिन बिसाइड्स ऑफ दैट कि ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को कैसे कॉन्सेप्ट बना के माइंड में रखते हो, एक ओवरऑल आइडिया जो होता है, ठीक है।